नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा, आज हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार सरसों की जो आवक है जोरों पर है। लगातार व्यापारी की दुकान के सामने सरसों के ढेर नजर आ रहे हैं। यहां की जो सरसों है वो लगातार मिलों में जा रही है, वहां तेल तैयार हो रहा है, उसके बाद तेल जो है बाजार में बिकने के लिए आता है। अब हमारे साथ में यहाँ मौजूद है व्यापारी सुधीर कुमार गुप्ता, उनसे हम जानते हैं कि आज मंडी में किस तरह के भाव हैं, कितनी सरसों की आवक हुई है, कितने कट्टे आए हैं, क्या भाव है और कहां से सरसों आ रही है, कौन कौन सी मिलों में जा रही है, तो हम उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार गुप्ता। सर, आज मंडी में सरसों के क्या भाव है? सरसों के भाव ऊपर में 551-5200 रुपये का भाव है और सरसों की जो अराइवल है वो करीबन 12-13 हज़ार कट्टों की अराइवल है और अलवर के आसपास के सभी गांवों से सरसों आती है। सरसों में मील वाले सभी लेवाल हैं सरसों के, जिसमें सौरभ एग्रोटेक और पीएनजी के, जैसे अपने प्यारे लाल निरंजन लाल जी के स्कूटर ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा सरसों ले रहे हैं। बाकी सारी मीलों में सरसों जाती है अलवर के अंदर। तो अभी जो मंडी में लगातार जो आ रही है वो मेन कौन कौन से गांव से सरसों आ रही है? यहाँ तो देखिए, अलवर डिस्ट्रिक्ट के सारे गांवों से सरसों आती है। अपने रामगढ़ साइड से आती है, मालेगढ़ साइड से आती है, चिकानी साइड से भी आती है, आसपास के अलवर के आसपास के जितने भी गांव लग रहे हैं सबों से सरसों आती है और बाहर मंडियों से भी सरसों आती है। यहाँ पे डायरेक्ट मील पे भी उतरती है, डायरेक्ट यहाँ बिकनी भी आती है और व्यापारियों का माल भी आता है, सारा माल आता है। तो अभी तो यहाँ पर सरसों है उसमें कुछ नमी भी देखी जा रही है, क्या कारण है? हाँ, नमी तो नेचुरल है कि अभी नई सरसों है तो नमी तो आएगी। अच्छा, तो अभी मतलब कुल मिला के कितने महीने का ये सरसों का चलेगा? सरसों देखो अभी तो स्टार्ट हुई है सरसों, तो अभी तो देखते हैं गवर्नमेंट कब से लेगी कब से नहीं लेगी। और सरसों अभी तो वैसे तो मेन मंडी सरसों की है, पूरी साल ही आमद रहती है सरसों की, पर बाकी अभी ये तो पीक टाइम है, अभी 1-1.5 महीना तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। अभी कोई ऐसी उम्मीद भी नजर आ रही है कि आपको होली के बाद में कुछ बाजार में बढ़ोतरी के कुछ आसार आपको नजर आ रहे हो? बाजार में तो देखो अभी इस टाइम तो सरसों के मामले में तो अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कितनी तेजी आएगी या कितनी मंदी आएगी। अभी एक्चुअल क्या है कि हमारी 16 या 17 तारीख में अभी कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया लेवल की, उसके बाद भी थोड़ा सा रुख पता लगेगा कि कितनी क्रॉप उन्होंने आंकी है, कितनी क्रॉप आएगी, कितना कैरी फॉरवर्ड आएगा, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सरसों के लिए जो बाजार तय करती है। बाकी तो अभी गवर्नमेंट का भी नहीं पता कब से सरसों लेगी, अभी तो 1 अप्रैल से कह रही है, तो अभी बाजार के बारे में कितना ऊपर या नीचे होगा वो अभी बोल नहीं सकते। अभी सरसों में अगर क्वालिटी की बात की जाए तो किस तरह की क्वालिटी सरसों में देखने को मिल रही है? क्वालिटी देखो इस साल बहुत बेस्ट क्वालिटी आ रही है, क्योंकि ना तो सर्दी का कोई नुकसान है सरसों में और ना ही कोई अभी इन दिनों में कोई बारिश का कोई नुकसान है, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई है। हमेशा क्या होता है कि सरसों कटती है, फसल खेतों में पड़ी रहती है, बारिश हो जाती है तो उससे रेन टच हो जाती है, तो अभी फिलहाल तो कोई नुकसान है नहीं सरसों में, निरोगी सरसों आ रही है। हमारे साथ में व्यापारी सुधीर कुमार गुप्ता जी जो मौजूद थे, उन्होंने बताया कि आज मंडी में भाव जो है वो काफी अच्छे हैं, सरसों की जो अराइवल है वो भी अच्छी है। अब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं जो किसान जो माणकी गांव से यहाँ पर सरसों लेके आए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो कितनी यहाँ सरसों लेकर आए, आज उनको क्या भाव मिला है यहाँ पर। सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रामधन जी, माणकी निवासी। आज मंडी में आप कितनी सरसों लेके आए हैं? सर 51 कट्टे। कितने बीघा में आपने सरसों का उत्पादन किया था? अभी तो घर भी है 10 बीघा सरसों है, अभी आधी लेकर आया हूँ, आधी है घर पे। नहीं, कितनी लागत बैठी थी आपकी? लागत सब बैठी है, पानी भी मोल का है, कटाई भी सब वगैरह, भाव कुछ और बढ़िया मिल जाता, और बढ़िया खुश हो जाए जमींदार। अभी फिलहाल क्या भाव आपको मिला है? अपन ने बेचे 51 सौ। अच्छा, तो आप अब आगे किस तरह की उम्मीद चाह रहे हैं कि सरसों के भाव और भी अच्छे हों, क्या हो? 5.5 के आसपास होने चाहिए सरसों। अच्छा, अभी फिलहाल क्या है कि सरसों के अंदर नमी भी देखी जा रही है कि कुछ जो है किसान भाई मंडी में सरसों लेकर आ रहे हैं और यहाँ जो नमी के कारण क्या है कि सरसों को सुखाई जा रही है, उसके बाद में फिर सरसों के भाव लगते हैं, फिर वो मीलों में जाते हैं, क्या कारण मान है? कारण क्या है? वाली सरसों हो रहे हैं, अब जमीन फेट भी लेते हैं तो गील काट के ही लेते हैं इसको भी, बस जो गील के हिसाब से बढ़िया रेट है जमींदार। अच्छा, बढ़िया भाव है।
और बढ़िया है, आगे और मिल जाए बढ़िया तो और बढ़िया बात है, जब दो पैसे की रकम ज्यादा हो जाए। ये हमारे साथ में किसान भाई मौजूद थे, इन्होंने कहा कि आगे और भी अच्छे भाव होंगे तो हमारे लिए और भी खुशी की बात होगी। जो सरसों की जो आवक है लगातार होने के चलते यहाँ पर किसानों के चेहरे पर खुशी का एक माहौल भी देखा जा रहा है, क्योंकि किसान भाई जब अपने खेत से सरसों को मंडी में लेकर पहुंचते हैं जब तक उनको भाव अच्छा नहीं मिलेगा तो उनका काम नहीं चल पाएगा। लेकिन अब स्थिति फिलहाल मंडी में ऐसी है कि दो महीने का ये सीजन है सरसों का, और सरसों के सीजन में अभी और कोई किसी तरह की कोई जिंस मंडी में नहीं आ रही है, दो महीने तक जो है लगातार सरसों की आवक है, और व्यापारी के हर दुकान के आगे सरसों के जो ढेर हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह सरसों के ढेर नजर आ रहे हैं, बोरिंग की पैकिंग हो रही है, साथ में यहाँ पर जो है किसान भाई हैं बोरियों को उठा के और सीधा क्या बोलते हैं ट्रक में लोड करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हम जो है यहाँ मंडी में मौजूद है तो अब भाव जो है लगातार अच्छे किसानों को मिल रहे हैं, और आगे भी किसानों को यही उम्मीद है कि एक अच्छे भाव उनको मिले ताकि उनकी जो लागत है वो आसानी से निकल पाए। नितिन शर्मा, अलवर।